कलाकार गुलाम नहीं होता। जी हाँ, कलाकार कोई गुलाम नहीं होता है। ये वाक्य और ये शब्द लिखे गए हैं, बहुत ही प्यारे हैं। जी हाँ, और ये शब्द लिखा गया है रिनी चंद्रा के द्वारा। जी हाँ, वही रिनी चंद्रा जो कि अपने बिंदास गायकी से, यूं कहे तो पानी पानी से, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में कहर मचाई थी, वही रिनी चंद्रा लिखी है। जी हाँ, और ये शब्द लिखे गए हैं किसके लिए? हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के लिए। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के लिए लिखा गया है कि कलाकार गुलाम नहीं होता है। और एक लंबा चौड़ा नोट लिखा गया है रिनी चंद्रा के ऑफिशियली इंस्टाग्राम आईडी पर। जी हाँ, और एक रील शेयर किया गया है। रील में रिनी चंद्रा खेसारी लाल यादव पीछे से नजर आ रहे हैं, यानी कि फ्रंट से वीडियो नहीं बनाया गया है बल्कि बैक हैंड से वीडियो बनाया गया है। और खेसारी लाल यादव और रिनी चंद्रा एक साथ चलते हुए, आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और इसमें ये शब्द लिखे गए हैं कि कलाकार गुलाम नहीं होता है। जी हाँ, आपको पता है कि क्यों लिखा गया है? क्योंकि खेसारी लाल यादव इस समय GMJ यानी कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का जो विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लिया जा रहा है। और ये शब्द कल लिखे गए थे और देखिए आज क्या हालत हुई है, डबल खिड़की। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का जो कि सावन के बाद पहला लोकगीत एल्बम रिलीज हुआ और उसके बाद इस गाने को भी एक तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जी हाँ, अभी ये गाना BR म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज था, अब वो गाना नहीं दिख रहा है। और जो एक वीडियो के माध्यम से, यूं कहे तो कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि विवेक सिंह जो खेसारी लाल यादव के मैनेजर हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट में फंसाए हैं। तो आखिरकार रिनी चंद्रा जी जो हैं वो विवेक सिंह की पत्नी हैं। जी हाँ, यानी कि विवेक सिंह की जो पत्नी रिनी चंद्रा है वो खेसारी लाल यादव से मिलते हैं और इस तरीके से वो शब्द करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सारा चीज नॉर्मल है, बहुत जल्द ही इस पर एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज तरीके का जिस तरीके से भूकंप एक बार फिर से हुआ है, हालांकि अन्नपूर्णा प्रिंस वाला माल के मोबाइल का अभी वो वीडियो चल रहा है, इस पर भी कुछ भी नहीं आया है, लेकिन शायद हो सके आ भी सकते हैं और शायद ना भी आए। लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के मैनेजर, जी हाँ, विवेक सिंह की वाइफ रिनी चंद्रा ने अपनी सोशल मीडिया पर ये शब्द लिखे हैं, वह वाकई में ही सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में कोई कलाकार एक एग्रीमेंट से गुलाम हो जाएगा? कई सारे सवाल खड़ा होते हैं। आप किसके पक्ष में, GMG के पक्ष में या फिर आप खेसारी लाल यादव के पक्ष में? जिसके पक्ष में भी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।